अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात से बात में बिलाल नक़ी की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। हमारा आज का मौजू है छाती के सरतान की अलामात और इससे बचाव के तरीके। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब उमर आफ्ताब साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप गुज़िश्ता साल से 17 साल से वुमन एम्पावरमेंट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, क्या हाल चाल है? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंथ में इस कैंपेन के हवाले से बहुत मसरूफ हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज में मैं आपको देख रहा हूं कि आप इस कैंपेन को भरपूर तरीके से चला रहे हैं, तो उस मसरूफियत में आपने हमें टाइम दिया, इसका बहुत शुक्रिया। मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन वुमन एम्पावरमेंट ग्रुप के हवाले से कुछ बताएं और जो आपके दीगर मसरूफियात हैं उनसे भी जरा आगाह करें प्लीज। जी, ये वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप जो है वो ओवरऑल वेलबींग ऑफ वुमेन के ऊपर काम कर रही है। हमारा जो स्टार्ट था वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन के हवाले से था और उसमें हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया और हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन के। लेकिन जब हम खवातीन से लाइवलीहुड और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में के लिए काम कर रहे थे तो वी रियलाइज के जो वुमेन्स हेल्थ इश्यूज हैं वो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और उसमें हमने देखा कि खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा इशू है जो काफी सीरियस इशू है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जितना काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए 2004 में हमने पिंक रिबन कैंपेन का आगाज किया पाकिस्तान में और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अनफॉर्चुनेटली पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हर साल जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 40,000 से ज्यादा होती हैं और जबकि हमारा मानना ये है कि ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं और अनरिपोर्टेड केसेस इससे कहीं ज्यादा। सो ये ओवरऑल सूरत हाल है और ये इशू इससे ज्यादा क्रिटिकल इस तरह बन गया कि इस पर बात करना जो है वो बहुत मुश्किल था। तो जब हमने 2004 में अपनी कैंपेन का आगाज किया तो जो हमारी लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसको कोई किसी टीवी चैनल ने एयर नहीं किया। सब वो मतलब उनके लिए ये था कि जो 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 वर्ड ब्रेस्ट जो है उसको टीवी पे जो है वो लेना उस वक्त जो है वो एक इम्पॉसिबल बात थी। जी बिल्कुल। और इसी तरह फिर जब हमने कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए उस पर बहुत इशू रहे। हमने अपना जब यूथ प्रोग्राम शुरू किया और मैं लाहौर की एक बड़ी बहादुर कॉलेज में गया उनके प्रिंसिपल के पास और मैं आई वाज सो शॉक कि उन्होंने मुझे मना कर दिया इसको करने के लिए। तो वो मतलब एक बहुत मतलब शुरू के जो हमारे 10-12 साल थे वो इसी पे हमारा फोकस रहा कि किसी तरह हम इसके बारे में बात करनी शुरू करें, क्योंकि जब तक एक इशू के ऊपर बात नहीं होगी तो उसका हल निकालना तो फिर मतलब बड़ा एक लेटर एक बात है ना जी। तो वो मतलब बहुत सारा तो हमारी एफर्ट जो है वो इसी चीज पे रही कि इस इशू पे बात कैसे शुरू हो। और फिर इस पे बात करनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है और इसको अर्ली डायग्नोज और इसके क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो सारे एक्सटर्नल हैं और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो 90% से ज्यादा। तो यही एक फोकस है पिंक रिबन कैंपेन का कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो अर्ली डायग्नोसिस है उसको प्रमोट किया जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि इसकी अमूमी अलामात क्या होती हैं कि अगर कोई खातून ये महसूस करे कि वो रिस्क पे है या ये ग्रो कर रहा है सिम्टम, तो वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके जो
सिम्टम्स में एक तो ये है कि छाती के किसी हिस्से पे या बगल के नीचे गिल्टी का होना, इसी तरह छाती की जो स्किन है उसके ऊपर रैशेज या डिम्पलिंग हो जाना, और छाती से किसी तरह का भी कोई लिक्विड डिस्चार्ज है, ये बेसिक जो सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जो इसके कुछ जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं उसमें तो जैसे जेनेटिक्स फॉर एग्जांपल का तकरीबन 5% के करीब रिस्क है, मतलब जो एक्सपोजर जो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर है वो रिस्क है। अच्छा, लेकिन ये है कि बिल्कुल हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है, फैल चुका है, फैल रहा है, उसमें बिल्कुल हमें ये लगता है कि इसमें जो हमारी जो खुराक है उसका बिल्कुल अमल दखल है, क्योंकि आप जो लेटेस्ट इस पर स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि तकरीबन 40% जो ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल चेंज से। अब लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये है कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो उसको देखने की जरूरत है, जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसको देखने की जरूरत है, और अगेन इसमें मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये सब कुछ जो है ये भी जो है सारा, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ओवरऑल बीमारियों से और कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से बचेंगे, आपका इम्यून सिस्टम जितना वीक होगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे दूध ज्यादा लेने के लिए जो जानवर को जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो जो है वो विमेंस हेल्थ के लिए डायरेक्टली नुकसानदेह है, वो खवातीन में हार्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट करता है, वो जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है उनको इफेक्ट करते हैं, और जो एस्ट्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक है ब्रेस्ट कैंसर से। इसी तरह फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं जो पेस्टिसाइड्स और ये अच्छा फिर ये कि जो जो मतलब हमारी जो मीट की ग्रोथ के लिए जो स्टीरॉइड्स यूज किए जाते हैं वो नुकसानदेह हैं, फिर जो जैसे चिकन फीड के हवाले से जो जो फीड है उसमें जो अज्जा यूज होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। फिर ये जो हम जो इस वक्त प्रोसेस्ड जो ये जो सफेद चीनी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऐसे है कि अगर किसी के जिस्म में कैंसर सेल्स हैं तो वो उसको एक फर्टिलाइजर का रोल प्ले करता है, वो उसकी जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करता है। तो ये बिल्कुल जो हम हमारी जो खुराक है वो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती रेशियो है उसमें बिल्कुल एक रोल प्ले कर रही है। और मैं अगर आपको छोटा सा और कंपैरिजन दूं कि पूरी दुनिया में जो जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो तकरीबन 55 ईयर है, पाकिस्तान में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 35 ईयर्स है, और हैविंग सेड दिस हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में केसेस देखते हैं जहाँ पे कि यंग बच्चियाँ जो 18-19-20 साल की एज की बच्चियाँ जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर उनको डायग्नोज हो रहा है, और ये एक अनयूजुअल ट्रेंड भी है और एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि जो टेस्ट तजवीज किया जाता है मैमोग्राफी का, तो क्या ये जो सहूलत है ये गवर्नमेंट के और निजी शोबे के तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है, और क्या देहात के लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका क्या स्टेटस है इसका? देखिए, एक तो मैं जो जो जल्द तशखीस है ब्रेस्ट कैंसर की उसके तीन तीन स्टेप, तो जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि एक खातून का अपना छाती का खुद मुआयना करना। तो ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ये महीने में एक दफा कोई एक तारीख कोई भी जो खातून है वो फिक्स कर ले और वो अपने छाती का खुद मुआयना करे। उससे ये होगा कि किसी तरह की भी जो चेंज है वो अर्ली डायग्नोज हो जाएगी। तो सेल्फ एग्जामिनेशन पहला
स्टेप है। उसका जो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि वो दो साल में एक दफा आप डॉक्टर से अपनी छाती का मुआयना कराएं यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाएं, और फिर तीसरा स्टेप जो है वो है कि आप अगर कोई सिम्टम्स हो या 40 साल से ऊपर की जो एज है उसमें आप दो साल में एक दफा मेमोग्राम करवाएं जो कि छाती का एक्सरे है, और बल्कि आजकल तो जो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है वो इसके लिए काफी सजेस्ट की जा रही है, तो आप पहले छाती का अल्ट्रासाउंड करवा लें अगर आपको ऐसी कुछ सिम्टम महसूस हो, और मेमोग्राम फिर तो जो आपने ये कहा कि ये अवेलेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये है कि हमारे यहाँ मेमोग्राम जो है वो चंद बड़े शहरों में ही सिर्फ अवेलेबल है, वो पाकिस्तान अगर आप पूरे शहरों में देखें तो नहीं है, और यही वजह है कि इस साल जो कि पिंक टूबर की कैंपेन है इसमें पिंक रिबन ने एक कॉल फॉर एक्शन अनाउंस किया है, क्योंकि बिल्कुल अब हमारा ये मानना है कि हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी हो रही है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट फोकस जो स्टेप्स हैं वो भी लेने की जरूरत है, और इसमें एक जो हम हमारा जो कॉल फॉर एक्शन में जो एक रिकमेंडेशन हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त परसू कर रहे हैं वो ये है कि जो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो हैं उनमें मेमोग्राम फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ये ठीक है कि जी अर्ली डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि अगर एक मेजर स्टेप ही अवेलेबल नहीं है तो फिर बिल्कुल वो एक चैलेंज बन जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो दीगर इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं वो समाजी रवैयों को इस हवाले से तब्दील करने के लिए उनकी क्या हिकमत अमली है कि लोग जो इस पर बात करना भी नहीं चाहते और सोसाइटी इसको एक डिफरेंटली ट्रीट करती है जैसे आपने पहले भी कहा, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि आपके इदारे की कंट्रीब्यूशन है? देखिए वो तो मतलब पिछले तकरीबन 16 साल से हमारा मेजर फोकस ही इनफैक्ट बिहेवियर चेंज के हवाले से रहा इसको ये जो देखिए हमारे यहाँ औरत के गिर जो भी कोई बात हो वो उस पर एक, एक, एक थोड़ा सा एक, एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो एग्जिस्ट करता है, और फिर वुमेन्स हेल्थ जो है वो भी हम देखते हैं कि उसकी पैट्रियार्कल माइंडसेट का शिकार है, और उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी घर के लेवल पे भी स्टेट के लेवल पे भी थोड़ी सी कम आती है, और फिर ऐसी चीज अगर जो कि खासतौर पर वुमेन सेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएटेड हो तो वो और ज्यादा चैलेंज जो है वो हमारे यहाँ उसको बात करना बन जाता है। तो हमारी तो इनफैक्ट ये जो 16 साल की स्ट्रगल है वो रही ही इसी एक बिहेवियर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कि हम इस इशू को एटलीस्ट बात जो है वो करने के ऊपर लेके आए, और आपने देखा कि कहा 2004 से अगर आज में देखें तो आप ऑलमोस्ट हर टेलीविजन चैनल जो है वो इस इशू पे बात कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो एक हाईएस्ट लेवल पे अब इस साल पिंक टूबर के ऊपर सपोर्ट कर रही है, सो मतलब ये कि एक 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 जो बेसिक टैबू था उसको कुछ हद तक तो मुझे लगता है कि हम इस पे असरअंदाज होने में कामयाब हुए, लेकिन स्टिल अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी भागल हमें अभी तो ये मैं समझता हूँ कि 16 साल के बाद एक वो लेवल आया जहाँ पे कि हम ग्राउंड जीरो पे आए, अभी हमें बिल्कुल इसके ऊपर और बहुत एफर्ट करने की जरूरत है, और बहुत सारा फिर इससे रिलेटेड और काम है भी तो बात होनी शुरू हुई है फिर बात के साथ, अब जैसे यही बात है कि ठीक है अगर हम इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं खवातीन सेल्फ एग्जामिनेशन करना शुरू करती हैं और उनको सिम्टम्स निकलना शुरू होते हैं तो वो फिर आगे कहाँ जाएंगे, वो आगे क्या करेंगे, तो ये मतलब है कि पूरा एक होलिस्टिक वे में इसके ऊपर, और इसलिए जो हमारा जो इस साल का जो कॉल फॉर एक्शन है ये इसमें यही सारे इश्यूज को हमने रेज किया है कि जैसे आज तक पाकिस्तान में अभी तक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तान में अभी नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, जो WHO का मॉडल है जो सारी मोस्टली दुनिया में है,
फिर हमारे यहाँ हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है उसके ऊपर से कम से कम चले हम उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर से जो टैक्सेस और ड्यूटीज हैं वो कम से कम वेव ऑफ करें, ग्रास रूट लेवल पे ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो है वो खवातीन को अवेलेबल हो सके। इसी तरह फिर जब ये डायग्नोज हो जाए ब्रेस्ट कैंसर तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो उसमें जो अद्वियात हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत सारी खवातीन शायद इसी डर से अपना इलाज नहीं करवाती। हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो इसकी जो ड्रग्स हैं उसके ऊपर से अगर हम उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके ऊपर से कस्टम और ड्यूटीज और टैक्सेस जो हैं कम से कम वो वेव ऑफ कर दिए जाए ताकि उसकी प्राइस जो है वो कम हो सके। तो ये एक इस सारे इशू को बिल्कुल बात करना इम्पोर्टेंट था, बात होनी शुरू हुई है। जैसे वी आर थैंकफुल टू पीटीए के आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अभी आप देखेंगे कि जो रिंगटोन है मोबाइल की उसके ऊपर भी ये मैसेज आ रहा है। तो ये इस साल बात होने के हवाले से तो एक शुरू हुआ है एक, लेकिन ये है कि ये अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग, मतलब है अभी तो इसको आप एक होलिस्टिक वे में हमें एक फ्रेमवर्क डेवलप करके इसको आगे लेके चलने की जरूरत। इसीलिए इस साल का जो हमारी कैंपेन है वो हमारी उसकी जो थीम है वो है बिकम अ बेटर वी, यानी हम प्रिवेंशन के ऊपर इस साल से अब काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें और ज्यादा एक स्टेप आगे करने की जरूरत है कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगी है हमें वहां पे प्रिवेंशन को प्रमोट करने की जरूरत है। इसी वजह से ये जो इस साल की हमारी थीम है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से है ताकि हम अपनी यंग बच्चियों में खासतौर पर खवातीन में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि आप 40% रिस्क कम कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। अच्छा, ये जो अक्सर हर साल देखने में आता है कि कोई एक अहम सरकारी इमारत जो है उसको पेंट किया जाता है, फैसल मस्जिद भी एक बार पेंट हुई, अभी इस दफा सुप्रीम कोर्ट को पेंट किया गया, ये जो कैंपेन आप रन कर रहे हैं इसमें मैसेज जाहिर है कि बहुत टेम्प्लीफाई होता है, तो आप कोई हमें स्पेसिफिक अचीवमेंट बता सकते हैं कि इस तरह से इनोवेट करने से क्या रिजल्ट आपने हासिल किए? अरसे से एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात नहीं होती थी तो हमने बहुत सारे इनडायरेक्ट वेज भी एक्सप्लोर किए कि जिनके थ्रू हम इस इशू को हाईलाइट कर सकें। तो हमने क्या कि हमने पहली दफा मीनारे पाकिस्तान को पिंग किया तो वो ब्रेकिंग न्यूज चली सारे टीवी चैनल्स पे। तो मतलब वैसे जब हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर डायरेक्ट बात करते थे तो वो शायद हमें इस तरह की का एयर टाइम नहीं टेलीविजन चैनल्स पर मिलता था। इसी तरह जब हमने फैसल मॉस्क को पिंक इल्यूमिनेट किया या हमने मजार कायद को पिंक इल्यूमिनेट किया तो ब्रेकिंग न्यूज उन सालों में इसके ऊपर चली। बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे था मतलब लोगों में इसकी इस इशू के हवाले से आगही के हवाले से इस टॉपिक के ऊपर लेके आने के हवाले से, और बहरहाल हम इसमें काफी सक्सेसफुल रहे क्योंकि इन 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 इवेंट्स के थ्रू जो है वो हमने प्राइम टाइम में ब्रेकिंग न्यूज की जो स्पेस है वो हमें मिली और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात हुई। उमर साहब, ये मौजू के एतबार से तो हमने आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम अपने मेहमान आखिर में दो सवाल से इज़ाफ़ी नोयत के करते हैं उनकी दिलचस्पी जानने के लिए। तो मेरा पहला सवाल तो ये, आप ये बताइए कि आजकल कौन सी किताब आपके ज़ेर मुताला है और आप नाज़रीन को कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे कि वो भी उसका मुताला ज़रूर करें? अभी पढ़ी कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी किताब पढ़ी जाए जो कोई प्रैक्टिकल सबक आमोज हो, तो ज्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कोई ऐसे सक्सेस मॉडल्स हैं और मतलब मैं अपने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जो हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल और इस तरह की चीजें, मुझे लगता है कि
बिल्कुल आपको अपने कम्युनिकेशन का, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कम्युनिकेशन के वाले से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नई जो देखो ऐसी चीजें हैं उनको पढ़ता रहूँ, ताकि जो हमारी जो कैंपेन्स हैं इनमें जो है वो लाई जा सके। लेकिन मैं अभी मुझे लगता है कि अल्केमिस्ट जो है एक अच्छी किताब है, और आई थिंक आपके लिसन जो व्यूअर्स इसको पढ़ेंगे तो दे डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा ये बताइए कि आप अपने काम के हवाले से अंदरूनी मुल्क और बाहरी मुल्क आपका काफी ट्रैवल रहता है, तो कौन सी जगह बहुत पसंद आई और आपका दिल करता है कि आप वहां पे बार बार जाएं या वहां पे रह जाएं? अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। मैं बड़ा प्राउडली इस चीज पे हूँ कि बड़ा प्राउड लाहौरी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लाहौर से मेरी जो मोहब्बत है ना वो ऐसी है कि मैं दुनिया में तो मैंने बिल्कुल बहुत सारे मुल्कों में गया, बहुत सारे शहर देखे, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस शहर में रह जाऊं। मैं बिल्कुल मुझे हमेशा ये लगा कि नहीं मुझे वापस लाहौर जाना है। आई डोंट नो मतलब मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक एसोसिएशन जो है वो अपने शहर के साथ फील होती है। लेकिन हैविंग सेड दिस बिल्कुल मुझे लगता है कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को जो है वो बड़ी अच्छी जगह है अगर आप जाते हैं। मुझे जर्मनी में कुछ शहर हैमबर्ग में गया, मुझे बहुत मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस। लेकिन सब ये है कि मतलब मुझे लगता है कि लाहौर लाहौर है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने आज हमें टाइम दिया और जो हम तवक्को कर रहे थे हमारी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ है। मैं अपने नाज़रीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।